सिद्धू तू ही है क्या? हे तुझसे ही पूछ रहा हूं, सिद्धू तू ही है क्या? हाँ मैं ही हूं। इसने अपना मुंह खोला क्या? नहीं सर। तेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? तुझे अच्छे से पता है, ये मुझे पता है, वो तेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? कहाँ ना नहीं पता। पता नहीं। क्यों रे, कहानी सुना रहा है मुझे? कहानी? हाँ, नॉर्मल हम जैसे जीने वालों की जिंदगी स्टेशन पर आने के बाद एक कहानी बन जाती है। हर एक कहानी के पीछे एक क्राइम होता है, उस क्राइम की वजह लड़कियां होती हैं। मेरा नाम है कुमारी। मेरी एज है 21। मुझे लव करने के लिए इतना काफी नहीं है क्या कि मेरा बैकग्राउंड भी जानना चाहते हो? यही है हमारा केजीबी कॉलोनी। हमारी जिंदगी को कहानी बनाने वाला ये कॉलोनी ही है। 3 दिन में एक बार आने वाला पानी, महीने में एक बार आने वाला राशन हमारी कॉलोनी को डिसिप्लिन सिखाता है। इतने दिनों से हमारे कॉलोनी में न्यूज़पेपर आता था। अभी सी ब्लॉक में हुए एक इंसिडेंट की वजह से हमारे कॉलोनी में न्यूज चैनल आया। क्या प्रसाद की बेटी कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली मिलाकर दी थी? दीवार पर टेक लगाकर रो रहे हैं, इसका मतलब यही उस लड़की के बाप हो सकते हैं। फोटो फोकस में रहने के बावजूद फेस ब्लर है, इसका मतलब यही लड़की विक्टिम है, रात से ये गायब है। कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली डालने वाला क्या यही था, इसका भी डाउट है। यही नींद की गोली वाला ग्लास है, यही एक प्रूफ मिला है। इस एविडेंस के सहारे उस शख्स को पकड़ पाते हैं कि नहीं, ये भी देखना होगा। ये हमारी कॉलोनी के लोग हैं, सिचुएशन कैसी भी हो कैमरा देखने के बाद स्माइल जरूर करेंगे। ये हमारा अड्डा है, इसे शंकर गुरु बुलाते हैं क्योंकि ये भाई के बहुत बड़े परम भक्त हैं। बहुत ही अच्छे हैं, उधारी मांगने पर ये नाटक करता है और इसके भाई की तारीफ करें तो खुश हो जाता है। रूप सुहाना लगता है चांदपुर। ओ ओ ओ, 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 ये तो पूजा में व्यस्त है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शाम को आते समय लेकर आऊंगा। खत्म हो गई क्या? एक चाय देना। लगता इस आदमी की आज वाट लगने वाली है। ए, सुनता नहीं क्या? चाय देना एक। इसकी कहानी तो आज खत्म हो जाएगी, ये सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ओ सुनता नहीं है क्या? देना चाय। यार एक चाय मांग रहा हूँ तो हाथ हिलाता हुआ बाहर आ रहा है। हाथ का काम है ना, अभी दिखाता हूँ मैं। अबे मार। क्यों मार रहा है भाई, मैंने क्या किया? खाना खाते वक्त तू डिस्टर्ब कर सकता है, पता है? नो प्रॉब्लम। काम करते वक्त भी तू डिस्टर्ब कर सकता है, नो प्रॉब्लम। घर में बीवी के साथ सोते वक्त भी तू डिस्टर्ब कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब भाई की पूजा कर रहा हूँ तब डिस्टर्ब किया तो तेरे घर वाले तेरे फोटो की पूजा कर रहे होंगे, ऐसा कर दूंगा। ये MM है, मतलब मैसूर मसाला नहीं, मोबाइल माजा। जैसे हम हवा के बिना जी नहीं सकते, ये मोबाइल के बिना नहीं जी सकते। हे, तुझे ना दूध दूंगा, ना चाय दूंगा, ना कॉफी दूंगा। चल ना बन, चल निकल यहाँ से। देख क्या रहा है भाई, पूजा हो गई क्या? अभी देखा ना तूने? सारी पूजा मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। भाई एक कप चाय मिलेगी क्या? तेरी उधारी पहाड़ की तरह बढ़ रही है, अगले महीने चुका दूंगा गारंटी से भाई। अच्छा ये भोग क्यों रहा है? अरे कुत्ता इसके पीछे भाग कर आया, इतना तो मैं अपनी ट्रेनिंग में भी नहीं भागा था। आपको लग रहा है कुत्ते ने इसका पीछा किया लेकिन पीसी ने इसे पकड़ा नहीं। इसका नाम है पुंगा। सच को मानना इसके स्वभाव में ही नहीं, झूठ का सहारा लेकर ही चलने वाला आदमी है ये। चलो यहाँ से। इन्वेस्टिगेशन सी ब्लॉक में है लेकिन मुझे लगा इन्वेस्टिगेशन बी ब्लॉक में है। वो मैं पुरानी आंटी के घर गया था ना। अबे फेंकने की भी कोई हद होती है?
बी ब्लॉक वाली आंटी को गांव गए एक हफ्ता हो गया है, समझा? वो गांव जाने के बहाने मुझे बाहर मिलती, तुझे पता है क्या? शंकर भाई, हम आज मुंबई जा रहे हैं, वहाँ जग्गू रहता है, उसने हमें बुलाया है, अब आपसे बाद में मिलेंगे, ठीक है ना? ए चल बे, आजा। शंकर भाई बाय। तेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी है रे, हर महीने तू मुंबई जाता रहता है, राजा की तरह आराम से रहता है। तू कमाता क्या है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन तेरी उधारी वैसी की वैसी टिकी हुई है। एक मिनट यहीं रुको, मैं अभी आई। हाय बच्चू, कैसी हो तुम? बिस्किट खाओगी या चॉकलेट खाओगी? चॉकलेट। ये लो खा लो, ले ले, अरे शर्माओ मत। ए, जरा भी आवाज तेज की ना तो तुम्हारी बच्ची की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। मेरी बच्ची? ये जग्गू है, हमारे गैंग में जो भी काम करना होता है उसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सब इसका ही होता है। ए, चलो। अरे रे, चोर, चोर, कोई बचाओ। चलो, 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 चलो। चोर, रुक, 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 अबे कहाँ भाग रहे हो? अबे रुक रे। छे। मिस हुए मेरे फ्रेंड्स कहां पर हैं? ये मुझे अच्छे से पता है। मेरा नाम है सिद्धू, केटरिंग में मैंने डिप्लोमा किया है, कुकिंग मेरी जान है, ऑयललेस चिकन मेरी स्पेशलिटी है, सिंगापुर जाके वहां पर स्टार क्रूज में जॉब करना मेरा एम्बिशन है, वीजा के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये है मेरी मदर, प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। इस घर में हम दोनों ही रहते हैं। रवि कुमार मेरे पिताजी हैं। नाम से बुला रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, मुझे बचपन से उनके ऊपर गुस्सा है। मेरी मम्मी को छोड़कर किसी और के साथ संसार बसाया उन्होंने। क्या कर रहा है? बफेलो विंस मम्मी। किसके लिए? तेरे फ्रेंड्स के लिए क्या? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है उनके साथ मत रहा कर, सब लोग उन्हें गुंडा कहते हैं कॉलोनी में, तुझे क्यों चाहिए उनका साथ? उनके साथ रहकर कहीं मैं खराब ना हो जाऊं, मम्मी को इसी बात का डर रहता है, और मम्मी को डैडी छोड़कर गए मुझे इस बात का गुस्सा रहता है। मम्मी बहुत मेहनत कर रही है, मुझे इस बात का दुख है, और मेरे इस दुख की दवा मेरे फ्रेंड्स हैं, इसीलिए मैं उनके साथ ज्यादा समय बिताता हूं। ये सिगरेट और दारू की इतनी आदत है कि ये छूटती नहीं, उसी तरह मेरे फ्रेंड्स भी मेरी आदत बन चुके हैं। जैसे हमारे शंकर गुरु को लगता है कि वो मुंबई नहीं गए हैं, यही हमारा सीक्रेट अड्डा है, हमारे अलावा यहाँ कोई और आ भी नहीं सकता। इसके अंदर जो भी गया है वो कभी बाहर नहीं आ पाया, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड्स ने चोरी करने के बाद छुपने के लिए बड़ी मुश्किल से इस जगह को ढूंढा है। सिद्धू आ गया तू? कहाँ था भाई? सिद्धू बियर लाया ना? हाँ, बफेलो विंग्स भी लाया हूँ। बफेलो विंग्स? यार बफेलो विंग्स खा खा के बोर हो गया हूँ, परसों शांति आंटी के घर पे भी खाया था, मना किया फिर भी उन्होंने जबरदस्ती खिला दिया। ए, ले पकड़। बहुत बकवास कर ली, चुपचाप खा। ला दे। बढ़िया यार। ए, वो बॉक्स दे। ये ले। ये तेरा शेयर है। सिद्धू, हमको बैंकॉक जाकर सैंडविच मसाज करवाने के लिए कितना पैसा खर्च होगा यार? मिनिमम 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? ऑलरेडी बैंकॉक जा रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा। इस बार इस एटीएम को लूटकर बैंकॉक जाकर हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा। अभी तो यार चलो हम सपने में ही बैंकॉक चलते हैं। इसकी तो, अबे पागल हो गया है क्या? सीधा होके बैठना। सारे कैसे ब्रेक लगा रहा है? मेरा साला बाप उधर रखना। क्या भाई, बैंकॉक की बस में सारे बैंगलोर वाले भरे हुए? अबे हम सपने में बैंकॉक गए थे, समझा? ए, बाद में मिलता हूँ। ओके बाय। ओके बाय। भाई, अरे तुम लोग आ गए, लाओ मेरे उधारी के पैसे। अरे भाई, आपका उधार मैं चुका दूंगा, क्या है कि इस उधार से हमारी दोस्ती बनी हुई है, ये दोस्ती मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ भाई। अरे ये क्या बोला का, कबूका? क्या सर, 3 दिन से नजर नहीं आए, वो हम तीनों तो बैंकॉक घूम कर आ गए। ए, तुझे कितनी बार बोला है मैंने बैंकॉक की भाषा यहाँ मत बोलना,
क्या करूं यार, बैंकॉक की भाषा मेरे सर पर चढ़ गई है। ए, तुम लोग को देखकर मुझे याद आया, वो बैंक के एटीएम में जो चोरी हुई है, मुझे डाउट है तुम लोगों ने तो नहीं किया है भाई। हाँ, हम ही ने की है, यहाँ हमारे अलावा और किसके पास जिगर है। हाँ सर, वो सी ब्लॉक में लड़की का रेप, जे नगर में रॉबरी, केतना नगर में मर्डर, सब कुछ हमने ही तो किया है। फालतू में अपने ऊपर इल्जाम मत ले, फेकू मैं हूँ यार, तू नहीं है, सुन लिया ना आपने। रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, रुक जाओ, वापस नहीं पूछूंगा, तुझे नहीं छोडूंगी। छोड़ दो दीदी, गलती हो गई दीदी, छोड़ दो, मुझे छोडूंगी नहीं मैं। अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दिया, माफ कर दो, छोड़ दो। रुक जा। अच्छा आप ही बताइए, 500 में आजकल सैंडल्स भी नहीं आती हैं, तो क्या मुझ जैसी लड़की आ जाएगी? मेरा किसी चीज से कोई कंपैरिजन है क्या? आप देखने के बाद ही पहचान लोगे कि इस कहानी की नायिका यही है। मैं इसे तीसरी बार देख रहा हूँ। हेलो हेलो, किस सपने में खो गए हो? जरा मेरा फिगर देखिए और आप ही बताइए, एटलीस्ट 5000 तो बनता है ना? हाँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इतने अच्छे फिगर का इतना चीप रेट बताकर उसने मेरा ईगो हर्ट कर दिया। अगर आप होते तो कितना देते मुझे? 5000, 10000 या 20000? सिर्फ मेरा फिगर देखकर ही कोई मुझे 5000 आराम से दे देगा। हेलो हीरो, ऐसे क्यों जा रहे हो? आपसे तो वही बेटर था, एटलीस्ट उसने मेरा रेट तो बताया। आपको वो भी पूछने का मन नहीं किया क्या? लड़कियों का ईगो सेटिस्फाई करना भी नहीं आता इन लड़कों को। उसने तुम्हें बुलाया, इस पर तुम्हें गुस्सा नहीं आया क्या? आया ना, लेकिन चीप बताए इसलिए मुझे गुस्सा आया। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, उसके पास अगर और पैसे होते ना तो मेरा ज्यादा रेट भी लगा देता। अलग अलग लड़के अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं, कोई फूल देकर, कोई आई लव यू कहकर, या फिर कोई पैसे देकर। ये क्रश, अट्रैक्शन, प्यार, ये सब कितनी अच्छी फीलिंग्स है ना। तुम कौन हो मुझे पता नहीं, मैं कौन हूँ ये तुम्हें पता नहीं, लेकिन देखने के बाद पाने की चाह रहती है। एक दूसरे से नजरें भी नहीं हटती, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये सारी कितनी अच्छी फीलिंग्स है ना। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सिंगापुर के स्टार क्रूज में जॉब मिलना। क्रूज मतलब शिप ही ना, इजी, बहुत इजी है। मुश्किल, शिप में कुक का काम करना बहुत मुश्किल। कुक मतलब खाना बनाने वाला है ना, इजी, बहुत इजी है। नहीं नहीं, वीजा के बिना सिंगापुर जाना बहुत मुश्किल है। इजी, बहुत इजी है, और इसके अलावा अगर हम रहेंगे ना तो और भी इजी है। हाँ, वीजा होने के बावजूद अगर पासपोर्ट नहीं है तो और भी मुश्किल है। राशन कार्ड अगर होगा तो पासपोर्ट बहुत ही इजी। सर कुछ कीजिए ना प्लीज। सर मेरा काम देख लीजिए ना। तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? फ्लाइट रेडी है, तू अभी के अभी निकल। थैंक यू सर। कैश अगर दे दिया ना तो सिंगापुर के क्रूज क्या अमेरिका के ट्रंप के घर में भी खाना बनाना ओके हो जाएगा। उसके लिए जो चाहिए वो। आपको चाहिए 2,00,000 रुपए कैश और एक राशन कार्ड, बस इतना ही ना? हाँ, इतना ही। ये तो उससे भी इजी निकला। इस तरह के समझदार होंगे तो और भी इजी है। 500 दूंगी तो आएगा क्या? तुम लोग पूछ सकते हो तो हम नहीं पूछ सकते क्या? तुम्हें देखकर मेरे दिल में कुछ नहीं होना चाहिए। ओ, इतना कम रेट बताया इसीलिए गुस्सा आया। लिफ्ट चाहिए क्या? नाम क्या है तुम्हारा? मेरी हाइट 5'4" है। तुम कहाँ रहती हो? मेरा वेट 48 है। तुम काम क्या करती हो? मेरा वेस्ट 24 है। 36, 24, 36 मेरा मेजरमेंट है। क्यों, स्कूटर पर बैठने के लिए मेरा फिगर काफी नहीं है क्या? हाँ, मेरा पूरा बायोडाटा क्यों चाहिए? हेलो, तुम्हारा घर आ गया, तुम उतरोगे तभी आगे जा पाऊंगी। बाय। कौन थी वो लड़की? ओ, वो हाइट 5'4" है, एज 24, वेट 48 है। ए, मैं क्या पूछ रही हूँ तुझसे? उससे कुछ भी कहता तो वो यही कहती है, लिफ्ट देने के लिए बायोडाटा की जरूरत है क्या? फिगर काफी नहीं है ऐसा कहा। अच्छा, जिस काम के लिए गया था वो हुआ कि नहीं? वो लोग 2,00,000 रुपए मांग रहे हैं, मेरे पास जितना है वो सब मिलाकर भी 50,000 रुपए ही होंगे। अपने पापा से बात करके देख ले। मैं बात नहीं करूंगा मम्मी, मुझे वो पसंद नहीं है।
क्या कर रहे हैं दादाजी? ओहो, अभी तक टीवी का काम नहीं हुआ है क्या? मैंने कंप्लेन कर दी है, वो आकर ठीक कर देंगे। ओके, देखिए मैं आपके लिए बिस्किट्स लाई हूँ। दादाजी मुझे एक डाउट है, अगर मैं किसी लड़के को 500 रुपए दूं और आने को कहूं तो वो आएगा क्या? नहीं ना, अगर वही रुपए मैं दहेज में दूं तो भाग कर आएगा। तो सब ठीक है, बताइए दहेज का मतलब क्या है? लड़के को लड़की खरीद रही है, यही ना? अच्छा दादाजी, दादी ने आपको कितने में खरीदा था? 5,000? 10,000? 50,000? 50,000? दादाजी उस जमाने में 50,000 मतलब तो बहुत होता था ना? स्मार्ट बॉय। दिल 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 दूंगा मैं, जान 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 लूंगा मैं। शंकर भाई एक चाय दो ना। देख रहा है ना, मैं गाना सुन रहा हूँ, खत्म होने के बाद ही दूंगा। मतलब आज चाय नहीं मिलेगी क्या? अरे तेरी तो, चुपचाप बैठ जा। ए, उधर देख कोई नई परी आई है। बॉम्बे से आई है, वहाँ इसने कुछ गड़बड़ काम किया है, इसने बम्बई छोड़कर यहाँ आ गई। देख यार कितनी हॉट लड़की है, इसके बिना तो मैं नहीं जी पाऊंगा। अरे बैक कर, बैक कर। अरे पीछे जाने को नहीं कहा यार, थोड़ा आगे दिखा। बाप रे बाप, क्या कमर है, क्या फिगर है, इसको देखकर तो लगता है इसके पीठ पर सिर जरूर होगा। क्या कहता है, लगाता है शर्त? नहीं होगा, 2,000 की शर्त लगाता हूँ। कंफर्म नहीं होगा, 1,000 की शर्त। हाँ, उधार देने की औकात नहीं और ऊपर से शर्त लगा रहा है। भाई है? अभी जो शर्त लगाई है उस पैसे से आपका उधार चुका देंगे। हाँ, चुकाओगे चुकाओगे, दिख रहा है। तेल नहीं होगा, मेरा भी 1,000 लगा दो। सब लोग नहीं नहीं कहोगे तो तेल है इस पे शर्त कौन लगाएगा? सिद्धू तू, अगर 500 दूंगी तो आओगे क्या? 500 इतना चीप? नहीं, मिनिमम 5,000 तो होगा ही ना। फिक्स है यार, सिद्धू का बेट 5,000। हे आई, ये देख सिद्धू, क्या लड़की है यार। वो हाँ बोलेगी क्या? अब फोटो निकालने के लिए कह रहा हूँ। सिद्धू, रविचंद्रन ने नहीं निकाला होगा, उस एंगल से फोटो खींचूंगा। चल चल, वो जा रही है। सिद्धू, इसमें तो कमर नजर नहीं आ रही है। सिद्धू देखना, कहा गया? सिद्धू मस्त आइडिया है, पैन की स्पीड और तेज कर दे, बॉडी के सारे तिल दिख जाएंगे। हम निकल। एक्सक्यूज मी मैडम, मे आई हेल्प यू? अरे यार शिट, ये मनहूस बीच में कहां से आ गया? कैन यू गेट दैट फॉर मी प्लीज? श्योर मैम। Where can I find cranberry juice? That's there, in third row. Yes. ए, ये तो मेरी फोटो है। ऐसा है क्या? फोटो खींचने में मेरा कोई जवाब नहीं? हाँ। क्या? पिटाई करने में मेरा भी जवाब नहीं? ए, नहीं, 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 छोड़ दो। पीछा कर रहे हो क्या?
मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे हो? करना चाहिए ना। नहीं करोगे तो शर्त कैसे जीतोगे? कैसी शर्त? छोटे बच्चों की तरह बिहेव मत करो, समझे? शर्त किस पर लगी है, साइज पर या शेप पर? वो तुम्हारे कमर पे तिल है ऐसा मेरा मानना है, और नहीं है ऐसा दोस्तों का है। इसीलिए नीचे के रैक पर रखा क्रैनबेरी जूस ऊपर के रैक पर रख दिया तुमने। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तिल दिखा या नहीं? तो फिर अभी देख लो। कोई बात नहीं, देख लो। तिल किस साइड पर है तुमने शर्त लगाई थी, लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर? लेफ्ट साइड। फिर तुम राइट साइड में क्यों देख रहे हो? राइट साइड भी देख सकते हो, लेकिन अगर तुम लेफ्ट साइड देखोगे तो शर्त जीत जाओगे। लेफ्ट साइड देख लो। अरे हार गए ना। शर्त कितने की है? 5000। हाँ, मैंने उसी दिन कहा था ना, मेरी कमर पर लोग 5000 दे सकते हैं। पर तिल नहीं है ना, क्या करें? हाँ, आइडिया, जीतोगे तो 50-50, ओके? हेलो यंग मैन, थोड़ा क्या, पूरा ही आता हूँ। आप नहीं, आपकी पेन चाहिए थी। पेन? ये लो। देख क्या रहे हो, तिल बना दो। हेलो मिस्टर, पुण्य का काम क्या है तुमने? खुद ही बोल रही है, तिल बनाओ बनाओ बनाओ। कमर पकड़ कर बनाओ ना, पीठ से पकड़ के बनाओ ना, मजा आएगा, खुदकुदी होगी। तुम सिगरेट पीती हो? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। तुम अपना काम करो ना। पेन में इंक भी है, चाहो तो टैटू भी बनवा लो। ऐसा क्या? घर जाकर आंटी को बनाना। चलो। I don't like the people, I don't like. क्या हुआ बे? अरे यार, पेड़ पे लगे फल तोड़ने के लिए सब पत्थर फेंक कर मारते, वैसे ही मुझे भी बहुत बुरी तरह मारा। मॉल में जाने से पहले मैं बिल्कुल स्मार्ट लुक में अंदर गया था, लेकिन बाहर आया तो मेरी हालत कुछ रोग के मरीज की तरह हो गई। उन लोगों ने मुझे इतना मारा। अरे क्या बोल रहा है? अरे यार, जब किसी को एक आदमी पीटता है तो उसे पीटने के लिए 10 आदमी और आ जाते हैं, उनका उस एक से कोई संबंध नहीं होता, इसे इंडियन कहते हैं। अभी मेरे फोन में एक भी फोटो नहीं है यार। फोटो भी नहीं है, कमर भी नहीं है, तिल है कि नहीं कैसे जाने? दोस्त, कमर खुद चलकर हमारे पास आ रही है। ऋतु या विदा तिल? मैं देखता हूँ भाई, इस बार मैं ही देखूंगा। कंफर्म कह रहा हूँ भाई, कोई तिल विल नहीं है। ओ मैन, कोई तिल नहीं है भाई। ओ मैन, तिल है भाई, तिल है। ओहो हो, बड़ा तिल है, कंफर्म तिल है भाई, कंफर्म तिल है। चल रहे। मेरा नाम जग्गू है। मेरा नाम मोबाइल मंझा। और मेरा नाम सीना है। उसका सरनेम भी यही है, पुंगा। ए, तुम्हारा नाम? नहीं नहीं, तुम कुछ मत बोलना, हमारे पसंद का नाम हम खुद रख लेंगे। ए, लता कैसा है? वेट अ मिनट,
नाम में थोड़ा सा वेटेज होना चाहिए। माय नेम इज शीला, शीला की जवान। तुझे एक बात बताऊं, हमने आज तक किसी की फिगर पे शर्त नहीं लगाया है, लेकिन हम तुम्हारी कमर पे 5,000 की शर्त पहली बार हाल है। कोई बात नहीं, नहीं नहीं तुम कुछ मत बोलना, तुम कहोगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा, साइलेंट रहोगी तो आधा हाँ मान लूंगा मैं। ए, वो जा रही है यार। 9743653143 करंट प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, हीटर प्रॉब्लम और शरीर में कोई भी मैटर प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बस एक मिस्ड कॉल दे देना, आकर करेक्ट कर दूंगा। एंड का नंबर पता है ना, 143। ये लो। 5 साल पहले एक बार मैं यहाँ पर आया था, आज फिर से यहाँ आया हूँ। अब आज मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं पैसे मांगने आया हूँ। सिद्धू, रवि भैया आपका बेटा आया है, बाहर आइए। हाँ आ रहा हूँ। वहाँ मेरा और मेरी माँ की चप्पल होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे प्लेस को किसी और ने रिप्लेस कर दिया, इस बात का मुझे दुख है। सिद्धू, क्या हुआ? थोड़े पैसे चाहिए थे। कितने? 2 लाख। काम मिलने के बाद। हाँ, कब चाहिए पैसे? अगले हफ्ते तक मिल जाएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, भेज दूंगा। सिद्धू, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? सिद्धू बाहर आ जाओ। सिद्धू, ए सिद्धू, क्या हुआ बेटी, क्या चाहिए? पैसे चाहिए। सिद्धू नहीं है क्या? कैसा पैसा? हाँ, मेरी कमर से जो पैसे कमाए थे वो पैसे, कह दीजिएगा उसे। आंटी आंटी, आप सिद्धू की मम्मी है क्या? नमस्ते आंटी। नमस्ते। वैसे आपने भी अच्छा मेंटेन किया है। सिद्धू, सिद्धू क्या हुआ मम्मी? हाइट 5.4, वेट 48, वेस्ट 36 आई है, देख ले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? पार्टी दूंगा कहा था ना, 50-50 कहा था ना, तिल बनाकर गायब हो गए क्या? भूल गए? पहले नीचे आओ, चलो। क्या है ये सब, कभी कहती है पार्टी, कभी कहती है तिल, क्या चल रहा है ये? मम्मी ये पागल है मम्मी, कुछ भी बोलती रहती है। एक मिनट को मैं आता हूँ। हे, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं, मम्मी के सामने सब कुछ बोलने की क्या जरूरत है? बीच रास्ते में कमर पकड़ते वक्त कहाँ था तुम्हारा दिमाग? तुम्हें पैसा चाहिए ना, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 50-50 मतलब 50। ये लो, ओके ना, हैप्पी ना? सिद्धू, उस दिन मैंने कहा था ना 500 देती हूँ, तो मुझे बुरा लगा था। आज अगर 2,500 दूंगी तो आओगी क्या? पार्टी के लिए बाबा। ये क्या पार्टी, कहकर तुम मुझे पब में लेकर आई हो? और क्या, पिज़्ज़ा कौन हो जाना था क्या? कम हेलो, कम हियर। यस मैम, योर ऑर्डर। तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज स्टीफन पॉल। पॉल, टू वोडका शॉट्स विद लाइम एंड सॉल्ट। ओके, वाटर? या one water bottle also. Okay ma'am. Paul. Yeah. Half tandoori chicken. Full spicy. Okay? Okay ma'am. तुम पीती हो? नहीं, ये first time है। ये लो, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसको दूसरी बार देखा था। Half bottle whiskey देना। Thank you. Hello. ये हम दोनों का फर्स्ट टाइम है। चीयर्स। चीयर्स। गरम है क्या? ठंडा करके पी लेना। अच्छा है ना? तुम कुछ भी कह लो सिद्धू, लोग दो रीजन की वजह से पीते हैं, एक पेन की वजह से या स्ट्रेन की वजह से, पर हमारे पास पीने के लिए कोई रीजन नहीं है, फिर भी हमें मजा आ रहा है।
अगर पीने के लिए हमारे पास कोई रीजन रहे तो कितना मजा आएगा ना। अभी फिलहाल पेन और स्ट्रेन के लिए क्या करें? पॉइंट है। हाँ, आई हैव एन आइडिया। पहले मैं तुम्हें आई लव यू कहूंगी और तुम नो कहना, फिर तुम मुझे आई लव यू कहना और मैं नो कहूंगी, फिर तुम भी दुखी और मैं भी दुखी, फिर हम दोनों उस टेंशन में बीत सकते हैं। ओके, प्लीज 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 प्लीज, टू मोर टू मोर। पॉल, टू लार्ज। ओके मैम। आई गो फर्स्ट। आई लव यू। नो, तुमने मेरे प्यार को रिजेक्ट कर दिया। मैं इस पेन को सह नहीं पा रही हूँ। मैं पीऊंगी तो शायद अच्छा लगेगा। किक लग गया, सुपर्ब। ओके, अब तुम बोलो। बोलो ना, इट्स ओके, गो फॉर इट। आई लव यू। आई लव यू टू। सेतु, कम फास्ट, पीछे मत देखो, हाथ पकड़ो। क्यों? बताती हूँ, चलो ना। मैम, मैम। तुम पागल हो क्या? मेरे पास पैसे थे ना, मैं बिल भर देता था। टेबल पर पैसे रख दिए थे मैंने। फिर भाग कर क्यों आई? ऐसे ही, तुम्हारे साथ भागूंगी तो कैसा रहेगा ये जानने के लिए। अच्छा था ना? अच्छा वैसे तुमने मुझे नो कहा, मैंने उस दर्द में पिया, तुमने क्यों पिया? लाइफ में फेल होने के बाद बहुत दर्द होता है। मेरे पिताजी आज मुझे छोड़कर दूसरी जगह पर हैं। बचपन से मेरी मम्मी ने मुझे मेहनत करके बड़ा किया है। मेरी मम्मी की तकलीफ देखता हूँ तो डैडी के ऊपर गुस्सा और ज्यादा हो जाता है। अभी भी गुस्सा आ रहा है क्या? लो, हॉल्स खाओ। हॉल्स खाऊं? क्यों? खाओगे तो स्मेल नहीं आएगी ना। आएगा तो क्या होगा? सपोज किसी ने किस किया तो? मुझे कौन किस करेगा अभी? देखा ना, स्मेल आ रही है। ये लो, हॉल्स खाओ। अरे मैं तो ये खाना भूल ही गई। ये मेरा फर्स्ट किस है, अच्छा है ना? ये साड़ी देखो। कितना भी कॉस्टली ड्रेस पहन लो, असली मजा तो बिना कपड़ों के ही आता है। चल ना। इसमें कोई दूसरा कलर? हाँ, ठीक है। ओहो। तुझे देखता हूँ तो बढ़ जाता है बॉडी का टेम्परेचर। बुलबुल, सबको फर्स्ट किस दे रही है तो हम भी इतने बुरे तो नहीं है, हमें भी दे दो फर्स्ट किस। देखो मुझे किस तो पता है, लेकिन लड़कियाँ फर्स्ट किस कैसे देती ये नहीं पता। वो जानने के लिए मैं हॉल साथ लाया हूँ। एक्सक्यूज मी। यस, ये पैक कर दीजिए। श्योर, थैंक्स। ये पकड़ भाई, हॉल्स नहीं खाएगा तो मैम किस नहीं करेंगी। गले में खिच खिच। वो विक्स होती है। फर्स्ट किस क्या होता है सिद्धू ने हमें डिटेल में बताया, प्लीज किस दोगी? ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? हो साथ में आए हो क्या? सॉरी कुमारी, प्लीज बुरा मत मानना, ये ऐसे ही है कुमारी। फर्स्ट किस मानकर बहुत इमोशनल मत हो जाना बेटा। अरे वो तेरे लिए फर्स्ट किस है, उसके लिए नहीं, समझा नहीं क्या? कुमारी जा बेटा, चले जा, वो शूटिंग में जरूर मिलेगी, समझा? कुमारी, कुमारी। हाँ, वो एक मॉडल है, सिनेमा में छोटे छोटे कैरेक्टर करती रहती है। उसे तीसरी बार कहाँ देखा ये बताया, दूसरी बार मैंने कहाँ देखा ये भी कहा, लेकिन पहली बार कहाँ देखा ये नहीं बताया। मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था यहाँ पे। Oh.
कुमारी सॉरी फ्रेंड्स है ना कुमारी बात सुनो सिद्धू कुमारी सॉरी कुमारी वो फ्रेंड्स है ना इसलिए इसलिए उन्हें बता दिया पूरी कॉलोनी में बता दिया क्या हॉर्स किस सब कुछ बता दिया ना सॉरी नेक्स्ट टाइम से नहीं बताऊंगा बताना चाहिए सिद्धू बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा उस दिन किस करने के बाद फोन भी नहीं किया तुमने कितनी टेंशन में थी बताए मुझे लगा कि मेरा किस तुम्हें पसंद ही नहीं आया पर सबको बता दिया मतलब तुम बहुत एक्साइटेड हो है ना क्या मतलब तुम गुस्सा नहीं हो उससे गुस्सा क्यों ऐसी बात कोई छुपाता है क्या मैंने तुम्हारे दादाजी को भी बता दिया है ना दादाजी उन्हें तो बहुत अच्छा लगा किस कैसा था ये पूछ रहे हैं दादाजी खड़े हो जा शर्ट खोलो ना शर्ट क्यों किस दिया तब क्यों पूछा था क्या निकालो ना किस की अलग बात होती है निकालो ना पर क्यों ये पहन ये किस लिए लड़कियों को लड़कों के लिए ब्यूटीफुल दिखना चाहिए तो क्या लड़कों को ये हक नहीं है कि ये शर्ट तुम पर बहुत अच्छी लगेगी ऐसा मुझे लगता है इसलिए मैंने खरीद ली वो दादाजी दादाजी सिद्धू को आपसे शर्म आ रही है आप आंखें बंद कर लीजिए ना हेलो पहनो मोबाइल दो सेल्फी नजदीक आओ ना ये पिक बहुत ही हॉट है ना तुम उस तरह की लड़कियां देखना पसंद करते हो तुम इसमें मुझे देखना चाहोगे
उठो और जाओ। कुमारी वो मेरी जिम वाली बॉडी नहीं है। जाओ और निकालो ना, मैं कहाँ रोज जिम करती हूँ, जाओ ना। कुमारी प्लीज निकालो ना। मुझे हॉल्स का फ्लेवर नहीं, ओरिजिनल फ्लेवर चाहिए। यार ये एंगल देखना। ये सब करके हम लोगों ने छोड़ दिया यार। ए सिद्धू आ जा 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 जा, पिएगा क्या? अब नहीं। अरे यार अंदर एक है, शेयर करेगा क्या? अबे ये पैसे के अलावा और कुछ शेयर नहीं करता, ये हम सब जानते हैं ना। ए पैसे के अलावा और कुछ नहीं है उसके पास खुश रहने के लिए, फ्री में आने के लिए भी लाइन लगाते हैं लोग। मैटर फिनिश हो गया क्या? कैसा मैटर? अले ले 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 ले, हमने भी देखा था, तेरी शर्ट वो पहनी थी, उसकी शर्ट तू पहना था। अबे पोस्टर देखकर हम फिल्म की पूरी कहानी बता देते हैं कि एक सीन के बाद अगला सीन क्या होगा। हमारी इमेजिनेशन को चैलेंज मत कर पगलू कहीं के। हम शेयर मांगेंगे इसलिए नाटक कर रहा है ये। नहीं यार कुछ नहीं हुआ है, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वो लड़की वैसी नहीं है। बढ़िया बढ़िया, अगर वो उस तरह की नहीं है तो तुझे किस क्यों करती है, पीने के लिए क्यों बुलाती है और आधी रात में अपने घर पर क्यों रुकवाती है? सिर्फ इतना ही नहीं, तेरी शर्ट की स्मेल वो क्यों लेती है? क्योंकि वो मुझसे प्यार करने लगी है। लव? अबे यार हमारी गैंग में सबसे खराब शब्द तो ये लव ही है ना। जब मैंने उसको तीसरी बार देखा था तभी उसने मुझे फर्स्ट टाइम आई लव यू कहा था। अच्छा बताओ तुम एक तरफा प्यार पर यकीन करते हो क्या? अपने मनपसंद इंसान को देखने के बाद हमारे ब्रेन में 12 पार्ट एक्टिवेट होते हैं, हमारे दिल को खुशी दिलाने वाले 3 केमिकल्स डोपामाइन ऑक्सीटोसिन एड्रेनालिन जनरेट होते हैं। ये सब 0.2 सेकंड्स में होता है, पता है तुम्हें? पता नहीं, मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानती थी लेकिन तुम्हें देखने के बाद क्या कह रहा है? 0.2 सेकंड में प्यार? यार मेरे दिमाग की दही मत कर यार, मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा फेकू तो मैं ही हूँ, लेकिन वो तो मुझसे भी बड़ी फेकू निकली। ओह मॉडल है वो, जितनी तेजी से ड्रेस चेंज करती है ना बॉयफ्रेंड भी चेंज करती है। तूने उसे पूछा कि उसने कितनों को आई लव यू बोला है? पता नहीं तुझसे पहले कितने बॉयफ्रेंड रहे होंगे। देख यार इन लड़कियों के लिए लव यू बेबी, मिस यू बेबी, हग यू बेबी, किस यू बेबी, ये सब कहना बड़ा कॉमन है यार, तू भरोसा मत कर। यार अगर वो लड़की तेरे इतने करीब आई है इसका मतलब उसे तुझसे जरूर कुछ ना कुछ चाहिए यार, इतना कॉमन सेंस तो आजकल छोटे बच्चों में भी होता है, तुझे ये बात समझ में नहीं आती क्या? ओ मॉडल है वो भाई, मॉडल का मतलब 6 को पैक अप आफ्टर 6 पिक अप, कैरेक्टर वगैरह सब छोड़ने के लिए रेडी रहते हैं वो लोग। जगू मेरा पेमेंट दे, ये भी मॉडल है लेकिन ये वैसी नहीं है, इसलिए इसे 5,000 दे रहा हूँ। बाय। सब लोग वैसे नहीं होते हैं, तुम लोग कितना भी बोलो वो लड़की उस टाइप की नहीं है। ठीक है वो उस टाइप की नहीं है, उसने तुझे आई लव यू कब बोला था? लेकिन तुमने अभी तक आई लव यू क्यों नहीं बोला, तुझे भी डाउट है ना बेटा? मुझे कोई डाउट नहीं है। हो सुपर, तो जाके उसे आई लव यू बोल देना। कल ही कहूंगा सर। हाँ परसों एक साड़ी पैक करवाई थी, वो देंगे क्या? हाँ हाँ ओके मंजुनाथ। हाँ सर इनका जो साड़ी पैक किया था वो दे जी दो। सर ये लीजिए सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। आजकल तुम किसी के साथ बहुत क्लोज हो रही हो और वो तुम्हारे घर पर भी आ रहा है। तुम्हें किसने कहा? पहले जो मैंने पूछा उसका जवाब दो तुम, कौन है वो? फ्रेंड है। फ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड या फिर ब्रदर की तरह या फिर कुलीग की तरह, किस तरह का है? जस्ट फ्रेंड, इतना ही। तुम बहुत बदल गई हो। मैं नहीं बदली हूँ राकेश, मैं हमेशा तुम्हारी हूँ,
आई लव यू राकेश। कट इट, वन मोर। आर्टिस्ट को इमोशन बताना चाहिए तो मैं समझ में नहीं आता। मैडम, क्या टचअप करूं क्या? आओ देखो डियर, तुम्हें इस डायलॉग में और इमोशन लाना होगा। जब तुम हीरो को किस करो तो थिएटर में बैठी ऑडियंस तुम्हारी किस देखकर झूम उठे। समझ गई ना? दोबारा नहीं कहूंगा। okay, देखा sir. इस तरह आर्टिस्ट को इमोशन समझाना चाहिए। okay, चलो sir. स्टार्ट कैमरा। okay, sir. एक्शन। पीछे हटो, पीछे हटो। नहीं, अंदर नहीं जा सकते। अरे अंदर नहीं जा सकते, मैंने मना किया ना। अरे टेक ऑन है, चल बाहर चल। मैं बदली नहीं हूँ राकेश, मैं हमेशा से तुम्हारी हूँ। आई लव यू राकेश। कट इट, शॉट। ओके, लोकेशन शिफ्ट। मंचू, ओपनिंग शॉट के जिमी लगाना, ठीक है? हीरोइन के क्लोज से ओपन करेंगे। सिद्धू, तुम यहाँ कैसे? शूटिंग देखने आए हो? नहीं। ये क्या है? ये मैडम, कॉस्ट्यूम चेंज करना, जल्दी आइए। ओके, जस्ट 2 मिनट्स। जी। सिद्धू, कॉस्ट्यूम चेंज करना है, ऊपर से लोकेशन भी शिफ्ट कर रहे हैं। एक काम करो, शाम को घर पर आ जाना, वहीं बात करेंगे। ओके, बाय 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 बाय। Hope we had a good time today. Yeah, see you tomorrow. Okay. Good night. Bye-bye. Bye. Sidhu, तुम यहाँ कैसे? Oh, sorry, sorry, sorry. घर पर इंतजार करने के लिए कहा था ना मैंने. Sorry. वो कौन था? कौन? जिसने तुम्हें अभी ड्रॉप किया. Ah, friend. Friend है या boyfriend? इसका मतलब तुम उससे jealous feel कर रहे हो? Just friends बस। तुम बहुत बदल गई हो कुमारी। मैं बिल्कुल नहीं बदली हूँ राकेश। मैं हमेशा तुम्हारी ही हूँ। I love you राकेश। अगर ये सीन कल होता ना तो मैं और अच्छी तरह से इंप्रेस कर पाती। ये क्या है? कुछ नहीं, बाय बाय। देखो तो सिक्स के पैकअप के बाद अगले सिक्स आवर्स में क्या क्या हुआ होगा, ये उसी के बारे में सोच रहा है और परेशान हो रहा है बेचारा। हाईटेक लड़कियां हैं यार, पब में ही सोती हैं, वोडका में ही नहाती हैं, आधी रात में घर आती हैं, समझदार को इशारा ही काफी है। अरे वो रोज घर आधी रात में आती है, तू उससे कमिटेड हो गया है ना, इसीलिए तुझे बुरा लग रहा है। ए, आखिर तुझे उसी लड़की का प्यार क्यों चाहिए? सुना है कि उसने कहीं किसी के साथ लफड़ा किया हुआ है। यार इसकी हालत देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है। इस टेंशन में अगर मुझे आज रात रोना आया तो तुम लोगों को मुझे पिला के सुलाना होगा। अबे श्याणे, अगर तुझे पीना है तो डायरेक्ट ही बोलना, घुमा के क्या बोल रहा है। सच्चे दोस्त तुम ही दोनों हो, मेरी फीलिंग समझ जाते हो। सिद्धू, वो लड़की कैसी है तुझे जानकारी चाहिए ना? 5,000 रुपए और उसका नंबर दे मुझे, 24 घंटे में उसकी सारी जानकारी दूंगा। हेलो सिद्धू। हाँ कुमारी। कहाँ हो तुम? अभी हॉस्पिटल के अंदर आया। साइन करके 302 में आ जाओ। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 302 कहाँ है? सिद्धू आप ही हैं क्या? हाँ। ओह, यहाँ साइन कीजिए। लिफ्ट उस तरफ है, 3rd फ्लोर। थैंक यू। सिद्धू, आप अपने हेलमेट भूल कर जा रहे हैं। रूम नंबर 302। मिस्टर सिद्धू है ना आप? हाँ मुझे पता है। सिद्धू जी, आप अपना हेलमेट भूल गए थे। कुमारी। सिद्धू साइन किया ना? हाँ किया। कौन है ये? डॉक्टर, ये निशा का बॉयफ्रेंड है। निशा? निशा कौन है? निशा कौन है पता नहीं। देखा ना डॉक्टर, काम करने के बाद निशा कौन है ये भी याद नहीं। तुम्हारे पास दिमाग है क्या? तुम्हारी गलती की वजह से सजा इसे मिल रही है। दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, सेफ्टी यूज नहीं कर सकते थे क्या? सेफ्टी? कुमारी, तुम जैसे लड़कों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ डॉक्टर, इन लोगों की तो पुलिस के हाथों बुरी तरह पिटाई करवानी चाहिए। पुलिस? सब कुछ करने के बाद इतनी भोली शक्ल बनाते हो कि पूछो मत। बाहर निकलो, निकलो बाहर, मैंने कहा बाहर जाओ। सिद्धू अपना हेलमेट तो ले जाओ।
अरे मैं निशा का बॉयफ्रेंड हूँ ना, तो मुझे किस क्यों कर रही हो? गुस्सा मत होना यार, निशा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि उसकी साइन के बिना ऑपरेशन नहीं होगा, इसलिए तुमसे वहाँ मैंने साइन करने के लिए कहा। थैंक यू। क्या उसका बॉयफ्रेंड नहीं है? था, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद ये पता चला। ऐसा है तो नेक्स्ट आने वाला बकरा बनेगा। मतलब उसे ये सब नहीं पता होगा ना, इसका कैरेक्टर कैसा है, इसका अबॉर्शन अभी हो रहा है, सब कुछ छुपा कर अपने नेक्स्ट बॉयफ्रेंड को धोखा दे देगी। और अगर उसने सब कुछ जानने के बाद भी प्यार किया तो? ये सब हुआ है, ये जानने के बाद कौन प्यार करेगा? क्यों नहीं करेगा? इसके उसके साथ घूमी है ना। तो क्या हुआ, वो पुरानी बातें हैं। उसके साथ तो वो पूरी ईमानदारी से रहेगी ना। लड़की का पास जो भी हो वो उससे सच्चा प्यार कर सकती है ना। वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। देखो, हर लड़का चाहता है कि लड़की के लाइफ में सबसे पहला लड़का वो ही रहे, समझी क्या? इधर उधर घूमने वाली लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना किसी को पसंद नहीं है, और शादी करने के लिए तो लड़की वर्जिन ही होनी चाहिए। ऐसी सोच रखने में गलत क्या है? हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, चॉकलेट चाहिए क्या? खाने। हेलो। हाँ बोलिए सर। एक बियर देना। भाई, अरे भाई जरा आराम से पियो, ऐसे पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। जब दिल में चोट लगी हो तो लीवर की किसको चिंता होती है। लगता है प्यार में धोखा मिला है। क्या है, कौन जानता है। पीने दो, पीने दो, लगे रहने दो। सिद्धू, सिद्धू क्या हुआ बेटा? आपको डैडी के ऊपर कभी डाउट हुआ था मम्मी? वो लड़की हमारे घर के सामने ही रहती थी। कॉलोनी के लोगों का कहना था कि तुम्हारे पिताजी और उसके बीच में कुछ चल रहा है। एक दिन तुम्हारे पिताजी के बैग में मैंने उन दोनों की बहुत ही क्लोज फोटो देख ली थी। ये सब क्या है ये पूछने के लिए मैं उसके पास गई थी, तो दरवाजे पर ही तुम्हारे पिताजी के चप्पल देख लिए। मम्मी, मैं सब कुछ सह नहीं पाई और तुम्हें लेकर वहां से दूर आ गई। वो सब तो ठीक है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो बेटा? नाइन एट फोर फाइव जीरो डबल सिक्स डबल सेवन नाइन कुमारी का नंबर है। ए, अच्छे सेव कर। बताऊंगी, तुम चलो। तो कुमारी, ऑडिशन में क्या करना होता है? और क्या, डायरेक्टर को इम्प्रेस करना होता है। तुम्हारे पहले कोई बॉयफ्रेंड थे क्या? मैंने जो ड्रेस पहनी है वो अच्छी है ना? तुम सबके साथ इसी तरह घूमती हो क्या? लिपस्टिक का शेड अच्छा है ना, सिस्टर का कैरेक्टर है ना, फैशनेबल लगना चाहिए, तभी तो डायरेक्टर इंप्रेस होगा। हेलो सर, आई एम इन द लॉबी, विच रूम नंबर? 153। ओके ओके, आई विल बी देयर। चलो। एंड का नंबर पता है ना? 1 4 3। सिद्धू, तुम्हारा फोन दो तो।
दो ना। सो एसएस प्रोडक्शन तुम्हारा ही है। कैरेक्टर दोगे ये कहकर मेरा कैरेक्टर जाने की कोशिश कर रहे हो तुम? कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे लिए स्टार होटल में रूम बुक किया है। ग्रेट, लेकिन तुम ऐसा करोगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। छी कुमारी, 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 क्यों किया ऐसा तुमने? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में बहुत ही खराब बात कर रहे हैं। तुमने जो मुझे किया वो फर्स्ट किस नहीं था, मेरे पहले भी तुमने बहुतों को किस किया हुआ है। और मैं तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, कई और लोगों के साथ भी तुम घूम चुकी हो। मेरा टोकन नंबर 38 बताते हैं। जैसे सबको आई लव यू कहा, वैसे तुमने मुझे भी आई लव यू कहा। और कुछ बताऊं? हाँ, बताओ ना। सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, शूटिंग में काम पाने के लिए तुम कॉम्प्रोमाइज करती हो। ये सब सुनने के बाद मेरे दिल में कितना दर्द होता है पता है तुम्हें? तुम्हें क्यों दर्द होता है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूं इसलिए। हाँ कुमारी, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें नहीं बताया था। आई लव यू कुमारी। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते सिद्धू। क्यों, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझसे प्यार करने जैसा अंदाज तुम में नहीं है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कैसा अंदाज? मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं कर सकता? सिद्धू, तुम्हारे फ्रेंड्स ने बिल्कुल सच कहा, वो मेरा पहला किस नहीं था। उसके पहले मैंने बहुतों को किस किया है। अब भी मुझसे प्यार करोगे? तुम मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड नहीं हो, मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। अब भी प्यार करोगे? मैं निशा जैसी ही हूँ, मैं वर्जिन नहीं हूँ, फिर भी प्यार करोगे मुझसे? जब मेरी तरह प्यार करने की मैच्योरिटी तुम में आएगी तभी मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करूंगी। अरे यार, हमने जो सुना वो सच है क्या? ये मैच्योर नहीं है इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। अरे यार, काम नहीं है, पैसा नहीं है, लड़का स्मार्ट नहीं है, और तो और इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इसलिए लड़के लव में रिजेक्ट हो जाते हैं। ये तो पहली बार अपन देख रहा है कि मैच्योरिटी नहीं है इसलिए प्यार में रिजेक्ट हो गया। जब हमने कहा कि वो फ्रेश नहीं है तो इसने डाउट किया, अब जब उसने खुद कह दिया कि वो फ्रेश नहीं है, अब तू उससे कैसे प्यार करेगा यार, ये तो सोचो। ए, बैठ जाना आके। ए, बैठ जाना आके। इसीलिए कभी कभी खेल भी खेलना चाहिए, अच्छा होता है आदमी के लिए। ऐसे ही अगर 1,000-2,000 की चोरी करेंगे ना, बैंकॉक तो छोड़ो, मुंबई भी नहीं जा पाएंगे। अगर एक एटीएम हमने उड़ा लिया ना तो आराम से जा सकते हैं। एटीएम? बिल्कुल एटीएम। एटीएम कैश रखने वाली गाड़ी में कम से कम 10 लाख रुपए होते ही है। अगर एक बॉक्स भी हमारा हो गया तो बैंकॉक क्या, पूरा यूरोप घूम लेंगे हम। वो क्या दीपावली का पटाखा है लूटने के लिए? तुमने जैसा सोचा है वैसा नहीं है। कैश के साथ गार्ड्स रहते हैं, गार्ड्स के पास गन रहती है। वो लूटना इतना आसान नहीं है सिद्धू। अगर हमारे पास एक चीज हो तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या? मैच्योरिटी। क्या हुआ दादाजी? कुमारी क्या अभी तक नहीं आई है? Thank you.
मैच्योरिटी बोले तो फ्लैशबैक में बॉयफ्रेंड रहेगा तो प्यार कर सकता है, ओके, लेकिन अगर अभी बॉयफ्रेंड है तो प्यार करना चाहिए क्या? ए, वो देखो कुमारी जा रही है। कुमारी, कुमारी। साइड में रुको। कौन है ये? फ्रेंड। फ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड? जस्ट फ्रेंड। ब्रदर की तरह? नहीं, फ्रेंड है। देखो ये शूटिंग नहीं चल रही है, अगर तेरे और उसके बीच कुछ नहीं है तो उसको अपना भाई को नहीं मान सकती। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इसलिए फ्रेंड कह रही है। तुझे क्या करना? हाँ? मैं कोई भी हूँ, तुझे क्या करना? तुझे भी हॉल्स दिया क्या इसने? क्या बक रहा है तू? कहाँ से घूम कर आ रहे हो तुम दोनों? क्या बकवास कर रही है? पिटेगा क्या तू? बताओ मैं कहाँ जा रहा हूँ तुम दोनों? हाँ जा जा जा, तू यहाँ रहेगा तो इसका सारा राज खुल जाएगा। समझ गया मैं वो कौन है ये, अच्छी तरह समझ गया हूँ मैं। तुम मिली नहीं ये सोचकर मैंने कितनी जगह पर ढूंढा है तुम्हें, मुझे कितना टेंशन हो गया था पता है तुम्हें? तुम जैसी लड़की के लिए कितना टेंशन लिया मैंने। छे ढूंढा? कितना ढूंढा, कहाँ कहाँ ढूंढा? टेंशन भी ली? कितनी टेंशन ली? ये टेंशन नहीं है सिद्धू, ये डाउट है। मैं किसके साथ घूम रही हूँ ये डाउट है। मैंने उसी दिन कहा था ना, मुझे समझने के लिए तुम्हारे अंदर समझ होनी चाहिए। ओहो, मतलब मैच्योरिटी होना चाहिए ना? चार लड़कों के साथ घूमने वाली लड़की से प्यार किया तो मैच्योरिटी होगा, है ना? तुम्हारे हिसाब से अगर घूमना ही मैच्योरिटी है तो आज से मैं भी घूमूंगा, तभी पता चलेगा कि तुम्हारी मैच्योरिटी क्या है। हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और के साथ घूमे तो कितना दर्द होता है, ये अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अर्जेंट में मुझे एक लड़की चाहिए यार। लड़की? आया रुक। ए, कहाँ जा रहा है तू? कुछ नहीं यार, बस अपनी स्मार्टनेस और अपना टैलेंट दिखाकर मैं एक लड़की को बताऊंगा और अपने दोस्त सिद्धू को गिफ्ट कर दूंगा। जरा इस तरफ मुंह कर, तेरे चेहरे पर। अपने आप को स्मार्ट मत समझ, चोटी रखने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता। लड़की तो छोड़, तूने आज तक एक बुढ़िया भी नहीं पटाई है, चुपचाप बैठ जा, लड़की पटाएगा लड़की। सिद्धू तू मुझे अपनी पसंद बता। ये देख, ये है शिल्पा, इसका फिगर सुपर्ब है लेकिन ये अभी शहर से बाहर गई हुई है। इसका नाम है करिश्मा, सिर्फ 5,000 में तूफानी मजा देगी भाई। ये देख अगली लड़की, इसका नाम है स्वीटी, इसका रेट है सिर्फ 2,000। तू पैसे की चिंता मत कर मेरे भाई, तू सिर्फ हाँ बोल और मैं पैसे पूंगा तेरा। हे, मुझे उस टाइप की लड़कियाँ नहीं चाहिए यार, फ्री में तो कोई भी नहीं आएगी। प्यार करने के लिए लड़की चाहिए। देख भाई, पैसा है तो 1-2 क्या 100 लड़कियाँ आ जाएंगी, पर सच कहूँ तो प्यार के लिए तेरे लिए नहीं आ सकती है मेरे भाई। हाँ यार, मेरे मोबाइल में फ्री में मिलने वाली लड़कियों का ऐप ही नहीं है। सिद्धू, तारा ओ तारा, तारा मेरी तारा, कजरारी आंखें काले काले बाल, हमारे कॉलेज की ब्यूटी क्वीन तारा को तू भूल गया क्या यार? सिद्धू तारा याद है ना, कॉलेज में तेरे पीछे पड़ी हुई थी वो, याद आया? अरे मुझे याद आ गया, वही लड़की ना जिस पर मैंने ट्राई मारा होता तो मुझसे पड़ जाती वही ना। थू सिद्धू, तू सिर्फ मेरी बात सुन, तेरी उसकी जोड़ी सुपर्ब है यार, जरा एक बार तो सोच, तेरी बाइक में वो पीछे बैठेगी, सुपर्ब लगेगी यार, नंबर वन। तारा सिद्धू पुत्रो, एक मिनट। ओके। अरे कुमारी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, यही तुम्हारा अड्डा है ना? तारा, आओ बैठो ना। कैन वी ज्वाइन यू? ओ इट्स ओके। कुमारी ये तारा है, मेरी फ्रेंड है। हाय। फ्रेंड कहूँ तो गर्लफ्रेंड ही है, गर्लफ्रेंड को फ्रेंड बुलाने जितना मैच्योरिटी मुझ में नहीं है। तारा, दिस इज कुमारी। परसों तक ये मुझसे प्यार करती थी लेकिन मुझ में मैच्योरिटी नहीं है इसलिए। मैच्योरिटी इसका मतलब क्या होता है सिद्धू? अगर अब मैं किसी और लड़की के साथ घूमूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। देखो तुम्हें भी मैच्योरिटी नहीं है, मुझ में भी मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए हम दोनों का अच्छा मैच हुआ है। हे हाय, सॉरी फॉर द अदर डे ब्रो, बहुत ही इमैच्योर जैसा बिहेव कर दिया मैंने। फ्रेंड्स कम ऑन ब्रो। फ्रेंड्स तारा, दिस इज सतीश, कुमारी का फ्रेंड। फ्रेंड बोले तो बॉयफ्रेंड नहीं, हाँ, और वैसे ब्रदर भी नहीं, जस्ट फ्रेंड, इतना ही है ना कुमारी? अच्छा है ना कुमारी?
हम दो लवर्स, हमारे दो लवर्स। ओ मैं तो भूल ही गया, तारा को पब में लेकर जाना है। विल कैच यू गाइस अनदर टाइम। हे नो थैंक्स। सिद्धू, तारा ने मुझे अपने घर बुलाया है। क्यों? क्यों मतलब? घर में कोई नहीं है, वो अकेली है। समझ गई ना? तुम्हें बताने का मेरा दिल किया, इसीलिए आ गया। अरे 10 बज गए, उसने 9 बजे ही बुलाया था। मैं चलता हूँ, बाय। हाँ सिद्धू, उसने तुम्हें बुलाया और तुम चले जाओगे? और ऐसे जाओगे? अपने बाल देखो, अपनी टी शर्ट देखो, ऐसे जाने से कुछ नहीं होगा। I'll show you, come, आओ ना, एक मिनट। देखो ये शर्ट तुम्हारे बर्थडे के लिए लेकर आई थी, अच्छी है ना? ये निकाल दो और इसे पहन लो। देखो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, 100 लोगों के बीच तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए। हाँ वहाँ जाने के बाद पागलों की तरह बिहेव मत करना, लड़कियों को शर्माने वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं, उसे लीड करने देना, तुम टेंशन मत लेना। कोई चीज तो मिसिंग है। हाँ अब तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, देखो ना मैं ही तुम्हें देखकर फिदा हो गई, तो फिर तारा क्या चीज है? You are just perfect. Go. Sidhu, one second. Go. Sidhu, एक मिनट वेट करना प्लीज, मैं अभी आई। तो क्या हुआ? रुको ना। कहाँ गई थी? हाथ दो। हमेशा सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। अब जाओ, मैं सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, तुमने क्या क्या किया, सब कुछ बताना। ओके जाओ जाओ जाओ। सिद्धू को कहाँ भेजा ये पूछ रहे हैं ना? एग्जाम के लिए। सिद्धू क्या? परफ्यूम। अब तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, तुम्हारा स्टाइल भी बहुत सेक्सी है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, 100 लोगों के बीच भी तुम्हें अलग लगना चाहिए। इस शर्ट में तुम बहुत हॉट लग रहे हो, मैं देखते ही फिदा हो गई थी। अब देखो ना मैं खुद तुम पर फिदा हो गई, तो वो तारा क्या चीज है? अब इस तरह क्या सोच रहे हो? सिद्धू क्या हुआ? वो सेफ्टी लाना भूल गया हूँ, लेकर आता हूँ। सॉरी तारा। आ जाओ सिद्धू,
मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। कैसा था फर्स्ट एक्सपीरियंस? नर्वस नहीं हुए ना? तारा को तुम पसंद तो आए ना? तुम्हें हक करने के बाद सब कुछ भूल जाता हूँ। किसी और को मैंने हक किया तो तुम्हारे जैसी फीलिंग नहीं आती। मुझे तुम चाहिए कुमारी। तुम किसी और के साथ नहीं घूमी हो ऐसा बोलो। मैं ही तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड हूँ। मेरे साथ ही तुम्हारा पहला किस हुआ है। सब कुछ मेरे साथ ही फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा बोलो कुमारी। क्या हुआ से तुम? मैं कभी किसी के साथ नहीं घूमी हूँ सिद्धू। तुम ही मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड हो। मेरा फर्स्ट किस तुम्हारे साथ ही था। मैंने सब कुछ फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ किया। देखा ना सिद्धू, तुम यकीन नहीं कर पा रहे हो ना। अगर तुम किसी भी लड़की से पूछोगे तो वो नहीं ही कहेगी। एक बार तुमने यकीन नहीं किया तो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए ट्राई करेगी, झूठ बोलेगी, रिलेशनशिप नहीं है ऐसा कहेगी। ये सब कुछ मुझे बताने से अच्छा है कि तुम इस पर यकीन कर लो। अगर डाउट करोगे तो हमारा रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। और अगर तुम ऐसा मान लो कि मैं किसी के साथ घूमी हूँ और फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं यकीन नहीं दिला पाऊंगी। सो, इसका सिर्फ एक ही सलूशन है। मैंने गलती की है तो गलती की हुई कुमारी से ही प्यार करो, और अगर गलती नहीं की है तब भी तुम्हें मुझे प्यार करना होगा। मैं अभी इस वक्त कैसी हूँ मुझे ऐसे ही प्यार करो। मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूँ क्या? मुझे तुमसे प्यार नहीं है क्या? है, लेकिन इतना ही है। मुझसे प्यार करने के लिए और बहुत सारा प्यार चाहिए। एक काम करो, तुम क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो? मेरे पास तुमसे ज्यादा प्यार है, तो हम दोनों के बदले का प्यार मैं अकेली ही कर लूंगी, ठीक है ना? लग जा गले के फिर ये। तुम्हारे पिताजी ने भेजा है ये, देख लो। लो, तुम्हें पैसा मिल गया है, ये बात अपने पिताजी को फोन पर बता दो। हेलो रवि भैया। बोलो शिव। अपने बेटे से बात कर लीजिए, एक मिनट। ये लो। हेलो, कैसा है? पैसे मिल गए ना? ठीक है, रखता हूँ। एक मिनट। हाँ। आपका, मेरा और मम्मी का फोटो चाहिए था। राशन कार्ड बनवा रहा हूँ इसलिए आपको ऑफिस आना होगा। अभी आना है मुझे? 6 तारीख को। ठीक है, आ जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगी। हाँ मम्मी। भैया आप जाइए। भैया। मम्मी मम्मी रुको, मम्मी मैं जो बोल रहा हूँ सुनो तो। सोचा था मरते दम तक उनका चेहरा नहीं देखूंगी, और अगर उनका चेहरा देख लिया तो मर जाऊंगी। मम्मी मेरी बात तो सुनो प्लीज। ये पैसे वापस कर दो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी शहर में जॉब करो और मेरे साथ रहो। मम्मी ये ट्राई करो, मिंट फ्लेवर। इससे एक बार ब्रश करोगी तो ही काफी है। जितनी बार किस चाहिए उतनी बार कर सकोगी। हॉल्स की भी जरूरत नहीं। देख, तू चाहे किसी के साथ भी घूम, चाहे कुछ भी कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो बोला है वो हमें दे दे। ए, 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 समझ गई ना? संतूर सोप। मम्मी। ए, ये है बेबी, बाय वन गेट टू फ्री। या। देख, तू एक बार हाँ कर दे, पुराने लड़कों को भूल जाएगी तू। ये मेरा वादा है। ये मस्त साबुन है, इसे अपने पूरे शरीर में लगा लो। हे, इसके कमर पे तो तिल है ही नहीं। तो सिद्धू तिल बनाना भूल गया क्या? जाने दे, मैं बना दूं, अच्छे से बनाऊंगा। मेरे पेन में फुल इंक है, तू जितना बोलेगी उतना तिल मैं बना दूंगा। ये मेरी कमर पकड़ने के लिए नहीं था, अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ मिसबिहेव करने के लिए था। इसे लगा लोगे तो दर्द कम हो जाएगा। ज-
चिकनी चमेली, चिकनी चमेली चुम्बा। ए स्टॉप 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 ए तुम तो मुंबई में रहती हो ना, अंधेरी स्ट्रीट नंबर 25। तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, मीना। मैंने तुम्हें पहचान लिया, पहचान लिया मैंने तुम्हें, वाह वाह पहचान लिया। ए रॉक, तो उसे जानता है क्या? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ बॉस। ए उस लड़की का नाम कुमारी है ना? ए तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसका नाम कुमारी है क्या? कुमारी। अबे तूने उसे मीना क्यों बुलाया? मीना ही तो है, मुंबई में मीना और यहाँ पे कुमारी। दो दो नाम, दो दो नाम, वहाँ पर डिस्को शांति और यहाँ पर ओम शांति। अच्छा सुन, मुंबई में क्या करती थी वो? वीडियो भेजता हूँ जरा देख तो लो, एकदम मस्त है। भाई नमस्ते, भाई एक सेल्फी हो जाए। भाई एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। ए, तेरी उधारी का पार जितना बढ़ गया है, उधारी चुकाए भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं दूंगा। चल जाए यहाँ से, निकल ले फुट। गुरु खाते में लिख लेना। चल चल। भाई उसने अकाउंट में लिखने को बोला ना। उसका अकाउंट ये है और तेरा अकाउंट ये है। भाई मैं पक्का चुका दूंगा। भाई की कसम बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी कसम क्यों खिला रहे हो मुझे? नहीं दोगे क्या? नहीं दूंगा। चल निकल। ये पुंगा कहाँ मर गया, अभी तक नहीं आया। क्या वो जगह नहीं आया क्या? अबे तुझे और उसको टाइम का सेंस कहाँ है? जल्दी से मेरे लिए कड़क चाय बना। मेरा मुंह क्या देख रहा है, टाइम हो गया, जल्दी से कड़क चाय बना। तू पेपर पढ़। क्या रे, क्या बोल रहा है तू? भाई के साथ एक वचन में बात कर रहा है तू? तुझे पता है भूख से तड़प कर मरते लोगों के लिए चाय और बंद खिलाने वाले गरीबों के मसीहा हैं ये। ए, बुरे से बुरे इंसान को भी दुआ देने वाले ऐसे महान इंसान हैं ये। ए, जब भी ये सामने आते हैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ मैं, देवता हैं ये ना कि मनुष्य। ऐसे महान आदमी से तू एक वचन में बात करेगा? यहाँ यहाँ आ तू। अगर मेरे सामने दोबारा तूने इनके साथ कोई भी बदतमीजी की ना, तो कसम से कह रहा हूँ सिंघम बन जाऊंगा मैं। अत्ता माजी सटकली। ए सॉरी बोल इन्हें, सॉरी बोल। भाई सॉरी भाई। ए इज्जत से बोल। भैया प्लीज एक चाय दे दो भैया। अरे रे रे रे, आप लोग मुझे इतना प्यार देकर मेरे भाई का अपमान कर रहे। अरे मेरी बात सुनो, मैं इतना बड़ा इंसान नहीं जितने बड़े ये भाई थे। भाई अरे मैं तुम लोगों को चाय दूंगा, हाँ हाँ दूंगा, लो ले ये लो। और अब तुम्हें उधारी चुकाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे कोई अकाउंट है ही नहीं। हाँ भाई मैं भी ले लूँ ना। हाँ हाँ ये तुम लोगों के लिए तो है, ये लो। आ जा भाई। भैया ये हो सकता है हमारी आखिरी चाय हो, हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर से मुंबई जा रहे हो? नो 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 नो, सीधा बैंकॉक जा रहा है ये, वहीं सेटल हो जाएगा। ए, चलना। भाई हा? आपका हम पे बहुत सारे एहसान है, हम जिंदगी भर चुका नहीं पाएंगे। आप इंसान के रूप में साक्षात देवता है भाई। चलता हूँ भाई। क्या सिद्धू, तू फिर से कुमारी के घर गया था? मैच्योरिटी आ गई क्या तुझे? देख यार, उसका पास्ट क्या है ये मैं प्रूव नहीं कर सकता, तो उससे प्यार करने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। शाबाश यार, उसने तेरे जैसा मस्त बकरा ट्रैप करके रखा है, फंसा रहे तू। हेलो सिद्धू, कुमारी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करूँ तुम्हें? बाय बाय। ए तूने उसका नाम एंजल से सेव किया है, क्या बात है। अरे वही परफेक्ट नाम है उसके लिए, ना जाने कितने लोगों ने उसे झूठा किया होगा उससे एंजल का। अबे मेरी पहनी हुई शर्ट तू नहीं पहनता है, तो एक बात बता, पूरे गांव की पहनी हुई शर्ट तूने कैसे पहन ली? इस लड़की के साथ तूने फ्रेंडशिप की कैसे? एटीएम चुराने वाले छपरी लोग हो तुम लोग, तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं की क्या? बस उसी तरह। वो मेरी एंजल है, मैं उसी से प्यार करूंगा, वो ही मेरी पसंद है। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी उसके खिलाफ कुछ कहा तो हमारी दोस्ती खत्म।
हे, पकड़ो मैं। जानती है क्या? ए, तुझसे ही पूछ रहा हूं, तूने जानती है क्या कहां जा रहे हैं वो? भैया एक चाय देना। अरे सिद्धू, तुझे एक बात बतानी है। क्या? हमारी कॉलोनी के एटीएम में जब कैश डाल रहे थे ना, तो किसी ने अटैक करके गार्ड्स को मारा और पैसे चोरी करके भाग गए। बेचारे उस गार्ड्स का तो जीना ही हराम हो गया है। देखा ना हमारी कॉलोनी के कैसे हालात होते जा रहे हैं। ए सिद्धू चाय? बाद में आता हूँ भैया। सिद्धू, ए सिद्धू, सिद्धू मुझे खाना दे। ये ले भाई। ए सिद्धू, थैंक यू यार, तू आएगा ये मैंने सोचा नहीं था। हमारा असली फ्रेंड तू ही है यार, तेरा एहसान कैसे चुका है ये बता बस। मुझे पता है, अभी मुंबई से एक वीडियो आया है मेरे पास, ये तुझे दिखाकर तेरा एहसान चुका दूंगा। मुंबई बीपी के केस में फंसे हुए लोगों का ये वीडियो है, देख ले। कल रात ये लड़कियां लोखंडवाला मार्केट में मिली थी। उसका असली नाम है मीना। अभी पता चल गया ना कि तेरी एंजल उससे मैच्योरिटी चाहती थी, तुझे क्यों तकलीफ दे रही थी। इनमें कई लड़कियां बड़ी बड़ी मॉडल्स भी हैं। वो कौन है ये पता चलने के बाद भी क्या तू अभी भी उसे प्यार करेगा? इसीलिए मैच्योरिटी मैच्योरिटी कहकर मेंटल प्रिपेयर किया है उसने। ए, कोई झूठ बोलकर धोखा दे सकता है, उसने तुझे सच बोलकर धोखा दिया यार। मैंने तुझे उस दिन ही बोला था वो लड़की पब्लिक गाड़ियों से प्राइवेट मत बना, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। एटलीस्ट अगर मैटर ही खत्म कर देता तो गर्व से कह तो सकता था, अभी वो सर्टिफिकेशन भी नहीं है इसके पास। अबे अभी क्या कर सकता है, वो वर्जिन नहीं है ये जानने के बाद। उसे तू माफ कर सकता है लेकिन हम उसे माफ नहीं करेंगे। ए? ए? जग्गू, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। ए, इसका शेयर दे। सिर्फ 5,000 चाहिए। 5,000 है, रख ले अपने पास। सिद्धू, इस वक्त यहाँ क्यों? रॉन्ग टाइम पर आया क्या? हाँ,
ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सिद्धू, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? सिद्धू, तुम होश में नहीं हो? अब तक नहीं था, मैं सिर्फ प्यार करने के लिए चाहिए क्या? ये सब करने के लिए नहीं, मांगा नहीं तो भी किस दिया? अब नहीं दोगी क्या? मैं खुश रहूंगा तो तुम बहुत खुश रहोगी, ऐसा कहा था ना? ये करने के बाद मैं बहुत खुश रहूंगा, आ जाओ मेरे पास। सिद्धू, स्टॉप इट। सिद्धू, तुमने शराब पी है, इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। क्यों, तू फ्रेश नहीं है ये पता चल जाएगा, इस बात का डर है क्या? ओ, फ्री में कर रहा हूँ इसलिए मना कर रही है? ये ले 5,000, यही है ना तेरा रेट? मीना, तेरा नाम कैसे पता चला ये सोच रही है ना? तेरा नाम ही नहीं, तेरा मुंबई का पूरा फ्लैशबैक पता है मुझे। वीडियो देखेगी? मुझे कोई मिला था तुझे देखने के बाद तेरा रेट पूछ रहा था। मैं अभी पागल था, तेरा रेट क्यों पूछ रहा ये बात मैं समझ ही नहीं पाया। और हाँ, तुझसे प्यार करने के लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए। तू किसी और के साथ मेरे कमरे में रहेगी तो भी मुझे डोर बंद करके जाना चाहिए, इतनी मैच्योरिटी चाहिए मुझ में। एक रात गुजारने वाली के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का सोच लिया मैंने, ये मेरी ही गलती है। मेरे साथ ही तेरा फर्स्ट किस है, मैं ही तेरा फर्स्ट लव हूं, सब कुछ फर्स्ट टाइम मेरे साथ किया, आखिर में तूने मुझे लास्ट ऑप्शन पर ला दिया ना। कितना प्यार करता था मैं तुझसे, एक लड़की ने मुझे अपने घर पर बुलाया और मैंने उसके साथ कुछ किया भी नहीं, पता है क्यों? उधर भी तेरी ही यादें थी, इतना प्यार करता था मैं तुझसे। लेकिन मेरे फ्रेंड्स सही कहते थे, तू सही नहीं है। बस हो गया, तुझे छोड़ने से पहले मैंने तुझे यूज कर लिया तो अपने फ्रेंड्स लोगों को बता सकूंगा। सिद्धू, स्टॉप इट। सिद्धू, सिद्धू, तूने कहा था ना राशन कार्ड के लिए फोटो निकालना है, आज ही जाना था ना? तेरे पिताजी को बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। सिद्धू, मैं रेडी हूं। सिद्धू, लड़की जब अपना दिल देती है तो सब कुछ दे देती है, मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हूं। आज की रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगी, ये फ्रस्ट्रेशन, ये पीना, सब कुछ छोड़ दो ना सिद्धू। अपने फ्रेंड से गर्व से कहना कि मैंने उसे यूज करके छोड़ दिया। तुम एक छोटी सी शर्त भी हारो, ये भी मुझे मंजूर नहीं था सिद्धू। तो फिर अब
तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने मैं तुम्हें कैसे हारने दे सकती हूँ? सिद्धू, आज रात 8 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम जरूर आ जाना प्लीज। आओगे ना? तुम्हारा नाम? रमेश गुप्ता। आप आइए। सबका हो गया ना? सर सर सर, थोड़ी देर वेट कर लीजिए सर, अभी आ जाएंगे सर। हाँ करूंगा करूंगा बेटा, मुझे और कोई काम तो है नहीं। इतनी देर तक नहीं आया तो अब आ जाएंगे। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, कल आइए देखते हैं। रवि कुमार, रवि कुमार नहीं है क्या? वो कहाँ गए? अगर नहीं आना था तो पहले ही मना कर देते, हम नहीं आते थे वहां। और क्या उसे छोड़कर नहीं आ सकते थे? छोड़कर आने के लिए वहां पर कौन है? क्यों, वो नहीं है क्या? वो करके तुम और तुम्हारी मम्मी 20 साल पहले उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। तब से वो बिल्कुल अकेले हैं। रात दिन तुम लोगों को याद करते हैं, अपने दिन गुजारते हैं। कभी सोचा है उनकी इस वक्त क्या हालत है? उस दिन घर छोड़ के जाते वक्त तुम्हारी माँ ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। जब अंदर जाकर पिताजी से मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। क्यों यही सोच रहे हो ना कि आखिर ये चप्पलें किसकी हैं? ये चप्पलें किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की चप्पलें हैं। और वो यहाँ क्यों है जानते हो? बिना एक भी दिन नागा किए वो रोज चप्पलों को साफ करते हैं। ऐसा करके उन्हें लगता है कि वो तुम्हें प्यार कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से वो बुखार में हैं, अभी सो रहे हैं। तुम दोनों को याद करते करते वो मरने की हालत में पहुंच गए। मैं देख लूंगी, तुम जाओ। ओके सिस्टर। डैडी के साथ हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मम्मी। हम जैसा सोच रहे थे वैसे उनका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। आपका सोचा हुआ अनुमान और मेरा बढ़ा हुआ गुस्सा बस इतना ही। 20 साल से तुम्हारे पति नहीं है और मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन उनके लिए हम दोनों ही नहीं है मम्मी। घर के बाहर चप्पल थी तो घर में कोई और है, हम दोनों ने ऐसा सोच लिया। लेकिन उनके दिल में हम दोनों ही हैं, ये हम कभी समझ ही नहीं पाए मम्मी। तुम्हें इतना शक क्यों हुआ मम्मी? दो लोग अगर आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में कुछ चल रहा है, ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? एक फोटो देखकर उनको अपनों से दूर कर दिया तुमने, सिर्फ एक फोटो। उस फोटो को देखकर आपने उनका कैरेक्टर सोच लिया, सिर्फ एक फोन। मुंबई बीपी के केस में फंसे हुए लोगों का ये वीडियो है, देख ले। ए, कोई झूठ बोलकर धोखा दे सकता है, उसने तुझे सच बोलकर धोखा दिया यार। इनमें कई लड़कियां बड़ी बड़ी मॉडल्स भी हैं। फोटो
सिद्धू, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन उस गलती को तू मत दोहराना। कुमारी, फोन के लिए आए थे। फोन? ए, उस दिन तुमने उठाया था, चल बे ढूंढते हैं। तुम्हें पता है ना कुमारी, हमारे लिए जैसे हार्ट है उसके लिए मोबाइल फोन। मिला क्या? नहीं यार, पता नहीं कहाँ रख दिया इसने। हा? नहीं मिल रहा है यार। शे, शे। क्यों कुमारी, इतनी टेंशन में क्यों? मोबाइल नहीं है क्या? पुलिस को दे दिया तुमने? हा? तुमने पुलिस को दिया क्या? थोड़ा बैठ करो इसे, थोड़ा और पीछे जाओ। उस फोन में मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ था। अरे प्रसाद की लड़की, कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। ओ शिट। ए, कूल कूल कूल, टेंशन मत ले। जाने दो कुमारी, तुम्हारी जगह मैं रहता तो मैं भी यही करता। ठीक है, अब जो होने वाला है वो तो हो गई, चल चलते हैं। हमें खाना खाए 2 दिन हो गए यार, बहुत भूख लग रही है। प्लीज कुमारी, कुछ खाने को दो ना प्लीज। बाहर पुलिस का डर है इसलिए बाहर कहीं जा नहीं पा रहे, किसी से कुछ मांग भी नहीं। हाँ कुमारी, इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, प्लीज कुछ खाने को दो ना। ए, फ्रिज रखा है। लाओ दो। पी लो कुमारी, पी लो ना। जूस पियो ना कुमारी, प्लीज पी लो ना कुमारी। जूस क्यों नहीं पी रहे हो कुमारी? क्या हम तुम्हारे साथ जूस पीने की भी औकात नहीं रखते? अब हम बदल गए हैं बहुत। हाँ कुमारी, हम लोग चेंज हो गए हैं कुमारी। इसका कारण तुम ही हो कुमारी, तुम ये जूस पी लोगी तो हम मान लेंगे कि हमें माफ कर दिया। प्लीज कुमारी, हमारी बात मान लो ना। पी लो ना कुमारी, पियो पियो प्लीज। हे कुमारी ने हमें माफ कर दिया। हाँ, हम चलते हैं। अच्छा हाँ, सिद्धू अगर आया तो बोलना कि हम लोग नहीं मिले थे। चल बाय कुमारी। बाय कुमारी। बाय। दादाजी, क्या हुआ दादाजी?
कैसे शुरू करूं समझ नहीं आ रहा सिद्धू। एक लड़की एक लड़के से बात करने के बाद ही उन दोनों के बीच कुछ है ऐसा लोग कहने लगते हैं। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था। तुमसे पूछे बिना तुम्हें किस किया। तुम्हें मैं जैसी पसंद हूँ वैसे तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरा कैरेक्टर सही नहीं है ऐसा नहीं है सिद्धू। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी सच्चा प्यार। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रोफेशन से एक मॉडल हूँ सिद्धू। किसी कारण बस लेट आ सकती हूँ। कभी कोई मुझे ड्रॉप करने आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है या फिर मैं उसके साथ घूम रही हूँ ऐसा भी नहीं है। मैं जिन लड़कों को जानती हूँ उन सबके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ। ऐसा जिस दिन तुमने सोचा वही तुम्हारी मैच्योरिटी रुक गई। तुमने जो वीडियो देखा वो सच है। मैं पुलिस स्टेशन गई ये भी सच है। अब ये सब झूठ है मैं प्रूफ नहीं कर सकती। उस दिन मेरे फ्रेंड के अबॉर्शन के लिए तुमने साइन किया था। मैं वहाँ पर थी इसलिए सच क्या है ये तुम्हें पता चल गया। लेकिन अबॉर्शन का कारण तुम हो ऐसा किसी ने ब्लेम किया तो तुम प्रूफ कर सकोगे क्या? शॉर्ट स्कर्ट पहनने वाली हर लड़की बुरी नहीं होती। पुलिस स्टेशन में गई इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोस्टिट्यूट है। सच और झूठ और कहीं नहीं होते सिद्धू। वो सब हमारे दिमाग की उपज है। तुमने जो कुछ देखा वो सच भी नहीं है और तुमने जो नहीं देखा वो झूठ भी नहीं है। एक लड़की कभी भी अकेली नहीं घूमती। वो जैसे जैसे घूमती है उसके रूमर्स भी उसके साथ घूमते हैं। ये सब भूलकर तुम मुझसे प्यार करो ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन वो मैच्योरिटी तुम्हें कभी नहीं आएगी ये मैं समझ गई हूँ। इसलिए ये लेटर लिख रही हूँ। सच है मेरा नाम मीना है। मेरा पूरा नाम है मीना कुमारी। तुम मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड हो। मैंने पहली बार तुम्हें ही किस किया था। मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ पहली बार किया था। यही मेरा फर्स्ट किस है। अच्छा है ना? मुझसे प्यार करने के लिए तुम्हारे पास बस मुझसे भी ज्यादा प्यार होना चाहिए। सिद्धू
हुआ सिद्धू? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं आया था, तुम सोई हुई थी, बस अभी उठी हो। नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स आए थे यहाँ, ना कहने पर भी जबरदस्ती जूस पिलाया और बाद में। हाँ, मिले थे वो लोग, फोन लेने के लिए आए थे ना, तो तुम सोई हुई थी। नहीं सिद्धू, कुछ तो हुआ है, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो ना। कुमारी, आई लव यू, मुझसे शादी करोगी क्या? ये पूछने के लिए आया हूं मैं। नहीं सिद्धू, कुछ तो जरूर हुआ है। कुमारी, अगर तुम्हें सच में कुछ हुआ होता तो मैं एक्सेप्ट करता क्या? नहीं, पर वो मुझ में उतनी मैच्योरिटी नहीं है ना। हम शादी करें क्या? तुम मुझे बहुत पसंद हो कुमारी। लिंगा जी, उसे लेकर आइए। मैडम, यहां पर साइन कीजिए। दो रेप और तीन चोरी, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मिल जाएंगे। जाएंगे कहां, सबके सब मिलेंगे। जा। सर नमस्ते। नमस्ते। चाय लीजिए सर। तुम्हारा बॉस कहाँ है? सर वो अंदर है। सारे ऑर्डर रेडी हो गए क्या? रेडी है सर। हेलो। हाँ सर, अभी एक घंटे में डिलीवरी हो जाएगी सर। ओके सर। सिद्धू, तुझसे मिलने साहब आए हैं। नमस्ते सर। सिद्धू, होटल अच्छा चल रहा है, कैटरिंग में फेमस होकर लाइफ में सेटल हो गया हो। तीन साल बीत चुके, तुम्हारे फ्रेंड्स का कुछ अता पता नहीं है, पर ढूंढ लूंगा उन्हें। अब वो कहाँ मिलेंगे सर, वो सब तो यहाँ से बैंकॉक जाके सेटल हो गए और आप उन्हें यहाँ ढूंढ रहे हो। सर उन्हें भूल जाओ, वो ही अच्छा रहेगा। उन्हें भूल सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया है वो नहीं भूल पा रहा हूँ। उन्हें लॉकअप में डालकर जब तक न मारूं मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। लेकिन क्या करूं, केस अब 2 महीनों में क्लोज हो सकता है। चलता हूं। ओके सर। भैया। हाँ। आप जरा होटल देख लीजिएगा। हाँ। थोड़ी देर में आता हूँ। 5 मिनट का नाम बोलता है और शाम को 5 बजे से पहले आएगा नहीं है। क्या करता है, किधर जाता है, भगवान ही जानता है भाई। भैया, 2 बियर और 1 रेडबुल देना।
सिद्धू, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं यार, हमें माफ कर दे। और कितने दिन तक हमें सजा देगा तू सिद्धू? हाथ जोड़ता हूँ, हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे सिद्धू, छोड़ दे, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तुम सबको बिरयानी बहुत पसंद है ना, ये लो आराम से खाओ। अरे खाओ आराम से, आराम से, ये लो पी। देर टाइम रात दिन कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हमें यहाँ से जाने दे भाई। सब कुछ अच्छा है ना, और कुछ चाहिए क्या? मार दे हमें, इस नर्क से अच्छा है मार दे हमें। प्लीज छोड़ दे सिद्धू, प्लीज छोड़ दे सिद्धू, प्लीज माफ कर दे। हमारी जोड़ी देखा क्या, अच्छी है ना? अच्छी लग रही है ना? हम दोनों बहुत खुश हैं यार, बहुत खुश हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन कुमारी मेरी है, ये समझने की मैच्योरिटी मुझ में आ गई है। लेकिन तुम लोगों को माफ करने जितनी मैच्योरिटी मुझ में अभी तक नहीं आई है।